तो जी ये व्यू है इस वक्त हमारे होटल रूम से मरगला हिल्स का। और ये मैं हूँ, ये हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए, रेडी हैं। और इस वक्त आइडियल मौसम है बिकॉज ये धूप। अभी तक बस हम चलते जा रहे हैं और मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ट्रैक की। अगर हमारे टूरिज्म को मज़ीद प्रमोट किया जाए ना तो हॉलीवुड कभी यहाँ से जाए ही ना, इस्लामाबाद सारी फिल्म इधर शूट हो रही है। कि यार क्या जगह है, बस यहाँ तक फिक्स है, यहाँ तक फिर की बात है। जब अगर शोर करें या इनको पूछते हैं तो ये फिर फॉलो करते हैं पूरे रास्ते। सो बहुत खामोशी से हम सिर्फ इनको देख रहे हैं। मैं आपको भी ऐसे लग रहा है जैसे वेल का मुंह है, ये पत्थर है ना। यू आर मिडल ऑफ अ माउंटेन्स और आप उसकी बेस पर हैं और इतने ऊँचे ऊँचे माउंटेन्स हैं आपके लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। और हैरत की बात है यहाँ पे खजूर के दरख्त भी हैं। वाह ये जी
तो कब से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि चल चल चल, और मैं मिस कर जाता था। और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने पहले क्यों मिस की। बारिश हो रही थी इस तरह। हाँ वो बारिश के, आपको शायद बताया उन्होंने कि बारिश वैसे में नहीं आया, भीगे हुए थे और जा रहे थे। मैंने कहा कोई इशू है, कहते नहीं। मैंने कहा फिर हमें तो क्या इशू है हमारे साथ, हड्डियाँ पट्टे सीधे हो गए हैं यहाँ पे, आप जाके मरीजों के भी ठीक हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरह हमें जाना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको एक्सपीरियंस करें, इसलिए मैं उन स्टोन्स को पाँव के साथ, आप कह रहे होंगे अरे क्या पाँव दिखाई जा रहा है, रीज़न इज आई जस्ट वॉन्ट टू, यस ज़बरदस्त। कैसे दरख्त है इस, क्या कहते हैं इस दरख्त को, अच्छा बोर्ड का दरख्त ये होता है यार, बड़ा शौक था देखने। इधर से आना, इधर से आना, इधर से अच्छी आएगी। नहीं नहीं बोले कि आप क्या कह रहे हैं, बता दें बता दें। वेल मैं रिपीट कर देता हूँ, आमिर भाई कह रहे हैं कि हाइकिंग जो है वो एंटरटेनमेंट का नाम है, बट उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइट सीइंग। अगर आपने सीनरी नहीं इंजॉय की फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज करके ही जा रहे हैं। अच्छा मैं और दानिश अवान साहब हम इधर बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, हमारे बाकी जो हैं वो आगे चले गए हैं, ठीक है। मैं थक गया हूँ, मेरी जो है बॉडी जवाब दे रही है, बट ये है कि अभी जितना मज़ा आ रहा है ना दानिश भाई के साथ, हम मरगला हिल्स की रिच ट्रेल पे बैठे हुए हैं। तकरीबन हम 8 किलोमीटर की हाइकिंग कर चुके हैं और अभी हम रेस्ट पॉइंट पे, रेस्ट पॉइंट ये हम टॉप पे आ गए हैं जी। We have covered around 60%, 40% रह गया, लेकिन आगे बड़ा comparatively बहुत आसान है। यानी कि steep path खत्म हो गया। Steep path almost काफी हद तक काफी खत्म हो गया, वो इतना ज़्यादा नहीं। सही, mind साथ आज। आपने एक फिर ये जाना है। अच्छा अगर आप देखें कि आप आए कहाँ से हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आओ। वो आपको सामने इन दो पहाड़ जिधर ये इनकी कन्वर्जेंस हो रही है ना पहाड़ों की, ठीक है ना, उसकी बैक साइड पे है आपकी फैसल मस्जिद, ठीक है। आप वहाँ से चढ़ना शुरू हुए हैं और आप इस तरह ये सारे
पहाड़ों को चढ़ते हुए आप इस तरह करके आए हैं, और अभी फिर आप यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से ये देखें आप इधर से होते हुए आगे आप जाएंगे। यहाँ से आगे ये ट्रेल फोर को कनेक्ट करके फिर वो आपको वो एक लदड़ पिंड है उसके पास, इसकी ओपनिंग है, वहाँ पे आप उतरेंगे, या फिर वहाँ से आके ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स की आपकी वॉक है ऑन रोड जो आपको मनाल लेके जाएगी, और वहाँ से आगे फिर आपने अगर ट्रेल थ्री से डिसेंड करना है तो ट्रेल थ्री से डिसेंड कर सकते हैं, ट्रेल फाइव से डिसेंड कर सकते हैं, ट्रेल फोर से डिसेंड कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली इतनी ट्रेनिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये जहन में रखें कि अगर आप थक जाते हैं तो घबराएं नहीं, अपने आप को कोई 3 to 4 to 5 minutes ब्रेक दें, और आपके साथ कोई कोई नमकीन कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई ORS टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, कुछ डेट्स रख लें, कुछ ड्राई फ्रूट रख लें, और वो आप इमीडिएटली आपको 5 to 6 minutes की ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि बॉडी आपका जो है वो इस किस्म का आपको ना एकदम रिजुविनेट कर देती है, तो आप फिर एकदम फ्रेश हो जाते हैं आफ्टर 5 to 6-7 minutes के आप दोबारा अपना जो है ना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा इंटरटेनमेंट बच्चों को आदत डालें बजाय कि वो जंक फूड और मॉल्स में घूमने के, इधर लेके आएँ, और ऑक्सीजन इस वक्त यकीन करें मैं मुझे साइनस का मसला है, ऊपर में आके बिल्कुल रिलैक्स। जिनके साइनस के मसले हैं ये मैं आपको बता दूँ, जो इस तरह के ट्रैक्स करते हैं उनके मसले हमेशा के लिए ख़त्म हो। दिखाते हैं ना कि तपस्या करने की जगह ऐसे लग रही है। ब्लैक तीतर जो है किसी ने हंट किया हुआ है यहाँ पे, और ये अल्लाह जाने किसी जानवर ने किया हुआ है। ब्लैक तीतर जिसको कहते हैं वो यहाँ पे हंट हुआ है। हम बात ये कर रहे थे कि ये प्लैनेट कुछ स्टार्स फटे हैं, गैसेस निकली हैं और ये प्लैनेट्स बन गए, और ये एक प्लैनेट है, इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे प्लैनेट्स भी हैं, और हम कितने
छोटा सा एक पार्ट है सारे सोलर सिस्टम का, इस प्लैनेट्स का। मतलब हमसे बड़े तो ये पहाड़ हैं, ये दरख्त हैं, लेकिन गुरूर कितना बड़ा करते हैं हम इन पहाड़ों से भी ज़्यादा। आ गए हैं रोड पे एट लास्ट, बड़ी मुश्किल से आ जाएं। ये हम रोड की तरफ पहुंच गए हैं इतना मुश्किल ट्रैक करने के बाद, और खुशी भी हो रही है लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, मज़ा भी बहुत आया खुशी के साथ साथ। थोड़ा सा जो टाइम से आधा घंटा पीछे है। अच्छा, क्योंकि हमने एक्चुअली बीच में स्टे, बीच में एक थोड़ा सा लंबा था लिया, और उस स्टे की रीज़न हम नहीं बता सकते वो बड़ी पर्सनल रीज़न है। मजाक कर रहा हूँ। मैंने दानिश भाई की आवाज़ें सुनी आए हाय वाली, पूरे रास्ते में नहीं थी। और हैरानी की बात ये है कि रोड पे आगे निकली आवाज़ें इनकी, ऊपर नहीं निकली गई। नहीं निकली गई नहीं, हम शौक से निकला। गुड। जब हम सफर तवील कर रहे हैं फिर उसको बताते हैं कि हम अब थके हैं। हाँ, बंदा जब चले पहाड़ को थका दे पहाड़ आपको ना थकाए। क्या बात है दानिश भाई, इधर बाय कर दें। इंशाल्लाह होती रहेगी आपसे मुलाकात, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक जी दानिश भाई। हेडिंग टुवर्ड शाह। मैं लामोंटेना में जॉब कर रहा हूँ, रबाब प्ले करता हूँ, और ये मेरा शौक है तो 12 साल से प्ले कर रहा हूँ इसको, अभी स्टिल ऑन जारी।